हेलो, जब भी गेम ओपन होता है हम लोग आते हैं चुपचाप से अपनी गेम के अंदर, और मैक्सिमम प्लेयर्स का टारगेट यही होता है कि अपनी आईडी को बेस्ट से बेस्ट बनाना। किसी को शौक होता है अपनी आईडी का विनिंग सबसे ज्यादा करना, और किसी को होता है शौक के अलग किस्म की आईडी बनाना जिसमें ज्यादातर मैच विन हो, विनिंग रेट एकदम हाई हो। तो किसी को अपना विन स्ट्रीक को एकदम ज्यादा करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि देखा गया था किसी किसी प्लेयर के 6-6, 7-7 हज़ार कंटिन्यू विन स्ट्रीक था। लेकिन यहाँ पर सबसे डेंजर वाला जो शौक है वो है वर्ल्ड टॉप। आपको इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये बताया जाता है वर्ल्ड टॉप कैसे किया जाए, लेकिन ये कोई नहीं बताता आखिर बड़े प्लेयर्स जैसे मोहम्मद हवाई भाई क्यों करते हैं इतनी बार वर्ल्ड टॉप, आखिर क्या है इसका सीक्रेट और क्यों इतने लोग पागल है इसके पीछे। और जब भी लीडर बोर्ड को ओपन करो दिखते हैं हमेशा हवाई भाई, और ये कितनी बार और वर्ल्ड टॉप करेंगे और ये क्यों करते हैं वर्ल्ड टॉप, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले है। इस वीडियो को रिक्वेस्ट करते हो एंड तक देख लेना, और अगर पहली बार आ रहे हो तो ऐसे अमेजिंग कैरमपुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को ऑन कर दो। ये कहानी शुरू होती है जब मैं नया नया आया था गेम के अंदर, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ईबे को वर्ल्ड टॉप करते हुए। उस जमाने की बात है जब हर हफ्ते कोई ना कोई अलग प्लेयर वर्ल्ड पे आता था, तब लगता था भाई इस वीक इस प्लेयर ने काफी ज्यादा खेला, इस वीक ये प्लेयर टॉपर रहा है, इस वीक ये प्लेयर टॉप रहा है पूरे गेम के अंदर। फिर उसके बाद थोड़े दिन गए, फिर बाद में जावेद भाई काफी लंबे टाइम के लिए वर्ल्ड पे रहे। ये एक लौते प्लेयर थे उस टाइम में जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक वर्ल्ड किया था, उसके बाद इनका काफी ज्यादा नाम बन गया था। अगर आप लोग पुराने कैरम पूल के प्लेयर हो तो आपको बताऊंगे कुछ नाम्स जो सबसे पहले टॉपर्स रहे हैं, जैसे कि काजी, फिर ईबे, पार्था भाई, और भी बहुत से प्लेयर आके चले गए। लेकिन फिर नाम एक याद रहा था हमको बहुत लंबे टाइम के लिए, जो था जावेद। यही वो टर्निंग पॉइंट है कैरम पूल में जब प्लेयर्स के अंदर एक शौक डेवलप हो रहा था जो था वर्ल्ड टॉप का। और यहाँ तक आपको कहानी पता है, अगर आपने ये सब कुछ देखा है 2019-20-21 की बात है ये, और यही वो टाइम है जहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्यों करते हैं वर्ल्ड टॉपर्स वर्ल्ड टॉप। जब जावेद भाई ने किया 10 से 15 बार कंटिन्यू वर्ल्ड टॉप तो उनको एकदम ज्यादा पॉपुलरिटी मिलने लगी, सब लोग जानने लगे, उनके फैन फॉलोइंग बनने लगी। उसके बाद ही पहली बार कोई ऐसा था जो 5000 जेम्स के बजाय नाम के लिए वर्ल्ड टॉप कर रहा था। अब ये है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो कि आज तक हमारे सामने है, और वो है मोहम्मद हवाई। जावेद भाई के बाद जो कि एक ऐसा इकलौता बड़ा प्लेयर गेम के अंदर आया था जो वर्ल्ड टॉप करने के लिए किसी भी कीमत को अदा कर सकता है, हवाई भाई वो इकलौते प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 100 बार वर्ल्ड टॉप करने का। लेकिन अब वर्ल्ड टॉप का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। वर्ल्ड टॉप अब वो ही कर सकता है जिसके पास ज्यादा पैसे हो, ज्यादा ताकत हो, अब ज्यादा बड़ी टीम हो, वर्ल्ड टॉप उसी के नाम पर होगा। अब यही ट्रेंड चल रहा है, अब पूरी टीम की टीम लगी हुई है वर्ल्ड टॉप करने के लिए। तो बस वो रिजल्ट है मोहम्मद हवाई भाई जो अभी भी वर्ल्ड टॉप में लगे हुए हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं, और उसके बाद जो चांस बचता है वर्ल्ड टॉप करने का उनके बाद वो है जावेद भाई। इन दो प्लेयर्स के अलावा काफी ज्यादा मुश्किल है फर्स्ट पोजिशन के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग चाहे तो 3rd, 4th, 5th, 10th के अंदर या जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। अगर आपको करना है तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे। आईडी को पूरा टीम खेलता है 24 घंटे तक, तब जाके ये पॉसिबल हो पाता है। आप सबको इस वीडियो में आंसर मिल चुका होगा कि वर्ल्ड टॉप आखिर क्यों करते हैं सब। इसका सीधा आंसर है पॉपुलरिटी, जिसकी वजह से हम लोग आज के टाइम पे हवाई भाई के बारे में बात कर रहे हैं या जावेद भाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड टॉपर नहीं होते तो क्या हम इनके बारे में बात करते और क्या हम इनको जानते। तो आपको भी अगर वर्ल्ड टॉप करना है या कॉइंस जेम्स बेस्ट प्राइस के अंदर बाय करना है तो आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और आप लोग वर्ल्ड टॉप करना चाहे अपनी आईडी को पोजीशन लीडर बोर्ड में कहीं पर भी। और होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आप नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में। लव यू गाइस, बाय।